अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जुजू तुम रहने दो, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर लूंगा। लेकिन जुजू भैया, इससे आपके भी तो आंखें जलेंगी। मेरे पास है ना चश्मा प्रोटेक्शन, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। ये मेरे सैड वाली याद है, हमेशा हमारे साथ बुरा होता है, कभी अच्छा नहीं होता। कितनी गंदी जगह है ये, अब हम हमेशा के लिए नहीं फंस गए। रिमझिम ऐसे हिम्मत नहीं हारते, तुम बस अम्बे माँ को प्रे करो, वो जरूर हमें बचाने के लिए किसी को भेजेगी। अम्मा गाड़ी मैनेजर साहब, मैं बाद में बात करता हूँ। मेरे बच्चों को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? नमस्ते मिस्टर एंड मिसेस राठौर। आइए। हमें बहुत खुशी है कि आपने एडॉप्शन के लिए हमारे एनजीओ को चुना। आप लोग बैठिए ना। तुमको पूरा यकीन है ना कि तुम्हारा प्लान काम करेगा? 100%। बैठो। मैनेजर साहब, क्या हम उन बच्चों को मिल सकते हैं जिन्हें हम गोद लेने वाले हैं? बच्चों से मिलने से पहले आपको मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तो बताइए, आप दोनों कैसे मिले? मेरा मतलब है कि आप लोगों की शादी कैसे हुई? जी जी, वो मेरी बिंदनी बनने से पहले ये मेरी पेशेंट थी। दरअसल मैं एक डॉक्टर हूँ। फिर? हाँ मैनेजर साहब, ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। 6 महीना मैं कोमा में थी, तब इन्होंने ही हमारा इलाज किया था। पेशेंट और डॉक्टर का रिश्ता बदला पहले दोस्ती के रिश्ते में। फिर जब मैं हमारी जिंदगी में जंग लड़ रही थी, तब इन्होंने ही एक सारथी बनकर हमारा साथ दिया। तब थे जब भी हमारे साथ कुछ गलत करते, तो उन्होंने मुझे हौसला दी, मेरे साथ खड़े रहे। हमारा ये दोस्ती का रिश्ता कब प्रेम में बदल गया हमारे को पता ही नहीं चला। और अब हमारी ये शादीशुदा जिंदगी को पूरा करने के लिए हमारे को 2 प्यारे प्यारे बच्चे चाहिए। वाह, कितनी खूबसूरत कहानी है। मैं 1 मिनट में आया। हाँ ये कहानी जो अभी तुमने सुनाई, ये मेरी और विधि की कहानी थी। तुमको हम दोनों के बारे में कैसे पता? मैं एक आर्कियोलॉजिस्ट हूँ, गड़े मुर्दे उखाड़ना पेशा है मेरा। सिर्फ हवेली के बारे में ही नहीं, बल्कि वहां पर रहने वाले हर एक इंसान पर रिसर्च की थी मैंने। इसलिए मुझे तुम्हारी और तुम्हारी एक्स वाइफ की कहानी पूरी पता है। बस मैंने वो पार्ट नहीं बताया
जहां तुमने उसे टेररिस्ट कहा था। जिस रिश्ते में इतना प्यार था, इतना भरोसा था, इतनी रिस्पेक्ट थी, अचानक तुमने उसको धोखे का नाम क्यों दिया? बोलो, क्या विधि ने सच में तुम्हें धोखा दिया है? क्या सच में वो एक आतंकवादी थी? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक, अभी करता हूं। आप लोग इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए, फिर मैं आपको ये पूरी बिल्डिंग दिखाता हूं। फिक्र मत कीजिए, बच्चे तो अब आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर पैसों की बात हो जाती तो क्या है ना कि एडॉप्शन के लिए लाइन बहुत लंबी होती है और आपको बच्चे चाहिए जल्द से जल्द, तो थोड़े पैसे तो खिलाने पड़ेंगे ना। तो बात पैसों की है। किस चीज की बुआ आ रही है यहाँ पर? ये तो बारूद की बुआ है, पर बारूद की बुआ यहाँ कैसे आ सकती है? फोन करता हूँ। ये बारूद की बू कहां से आ रही है?